चलो बहुत ही आसान तरीके से, मतलब वो भी बहुत कम टाइम में बनाते हैं एक स्नैक्स, मतलब ब्रेड रोल, आलू ब्रेड ले जिसपे आलू को ना तो तलना है ना फ्राई करना, कुछ नहीं करना, ठीक है? ये एकदम से क्रिस्पी बनेगा, तो आप लोग भी ट्राई कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो मैंने उबले आलू लिए हैं 3, मैंने इसको अच्छे से पहले उबाल लिया, तो आप लोग भी उबाल लेना, ठीक है? अब इसको एकदम अच्छे से मैश करना है, मतलब सारे आलू को मैश कर लेना है। यार ये मतलब बहुत ही आसान तरीके से बन गया था, बहुत कम टाइम में भी बन गया था। फिर मैंने फ्रोजन मटर डाला है, मैं घर पे बना के रखती तो मैं वही डाला। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, मतलब अपने तीखे के हिसाब से, आपको जितना तीखा खाना है उतना। और फिर एक प्याज डालेंगे, एकदम बारीक कटी हुई डालना है, ठीक है? फिर धनिया पाउडर आधा छोटे चम्मच, और डालेंगे इस पर गरम मसाला आधा चम्मच, और थोड़ी सी चाट मसाला डालना है। चाट मसाले से टेस्ट और परफेक्ट हो जाता है, तो बस थोड़ा चाट मसाला डालना है और लाल मिर्च पाउडर डालना है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। और इसके बाद मैंने डाला है अमचूर पाउडर, और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, मतलब जितना आपको खाना हो। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, मतलब आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना, मतलब एकदम अच्छे से मिलाना है जिससे सारे मसाले और आलू सब मिक्स हो जाए, ठीक है? तो मिक्स करके साइड में रख देना। फिर मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, अब इनको अच्छे से, मतलब जो भी साइड का रहता हार्ड पार्ट उसको काट लेंगे। तो मैंने सारे ब्रेड का अच्छे से काट लिया, देखो तो बढ़िया से कट गया, ठीक है? यार ये सच में बहुत टेस्टी था, बहुत जल्दी बन भी गया था। तो आप लोग ट्राई कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर रेसिपी अच्छी लगी। फिर पानी लेना है एक बाउल में, मतलब थोड़ा सा पानी लेना, ज़्यादा नहीं, और ब्रेड को बस उस पर हल्का सा डुबोना है, ये बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो ब्रेड टूट जाएगा। बस थोड़ा सा डुबोना है और सारा पानी निचोड़ के निकाल लेना है एकदम से। फिर जो हमने फिलिंग बनाई थी उसको ऐसे रोल कर लेना है और बना के ब्रेड के ऊपर रखना है, और इसको एकदम से अच्छे से रोल कर लेना है, मतलब ब्रेड कहीं से खुली भी ना रहे ऐसे रोल करना। तो अच्छे से रोल कर लिया मैंने, देखो साइड में रख लिया। अब एक अलग से बाउल लेंगे और उस पर डाला मैंने मैदा 2 चम्मच, ठीक है? ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा डालना है, 2 चम्मच मैदा, और थोड़ा सा नमक, हल्का सा नमक डालना है बस टेस्ट के हिसाब से, आधा छोटा चम्मच। और इसको पानी डाल के मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो इस पर लम्स ना रहे, और थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है? और एक घोल तैयार कर लेना, देखिए ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, जैसे मैंने बनाया वो ऐसे करना। और अब लेंगे ब्रेड क्रम्स, यार मैंने घर की बनाई हुई ब्रेड क्रम्स लिए, मतलब होममेड। इसकी रेसिपी आपको मतलब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, मेरे चैनल में है। तो फिर जो घोल बनाया था उस पर डाला ब्रेड रोल को, और फिर ब्रेड क्रम्स में डाला जो मैंने लिया था घर का बना, ठीक है? ऐसे ही सारे ब्रेड को कर लेना, रैप कर लेना है। तो मैंने रैप कर लिया अच्छे से, एकदम अच्छे से रैप करना, ठीक है? और फिर साइड में रख लेना है। यार सच में रेसिपी बहुत ही आसान है, आप लोग ट्राई कर सकते। देखिए मैंने सारे ब्रेड को अच्छे से रैप कर लिया है, अब इसको फ्राई करेंगे, ठीक है? तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, मतलब एकदम हीट में करना है। तो मैंने गरम कर लिया था तेल पहले से ही, अब मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी, मीडियम फ्लेम में फ्राई करना, नहीं तो डीप फ्राई नहीं होगी। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो बाहर से जल जाएंगे और अच्छे से डीप फ्राई भी नहीं होंगे, क्रिस्प भी नहीं नहीं बनेंगे। तो मैंने बस अच्छे से इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में। यार आपको जब भी खाने को ना, आप बना सकते हो, देखो एकदम अच्छे से क्रिस्पी बन के रेडी हो गया है। इससे मेरी और भी बहुत सारी वीडियो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो एकदम से क्रिस्पी बना था सच में यार, मतलब वो भी बहुत ही कम टाइम में बन भी गया था। और मैंने हरी चटनी ली है, ये भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, तो आप ट्राई कर लेना, ठीक है? देखिए कितना मस्त क्रिस्पी बना है, और एकदम जम्बो टाइप का स्ट्रीट, जैसे हमें स्ट्रीट फूड मिलता है ना जम्बो ब्रेड रोल, वैसे बना है। गर्म था तो थोड़ी मेरे को टोन हार्ड हो रहा था, तो अब जल रहा था। तो आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है? चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके।